बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जा शर्मा और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे सामने है दो हेडफोन्स। दोनों के दोनों हेडफोन्स जो है वो एक ही कंपनी की तरफ से जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। एक जो है वो नॉर्मल वाला मॉडल है और दूसरा जो है वो प्रो वाला मॉडल है। और ये लिटरली इतने ज्यादा तगड़ा प्रोडक्ट है कि मतलब आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो इस वाली वीडियो को थोड़ा सा संभल के देखना। ये जो है वो लिटरली बेस्ट हेडफोन्स है जो कि आप बजट के अंदर खरीद सकते हो। इनके प्रो वाले मॉडल्स के अंदर जो है वो आपको RGB लाइटिंग भी देखने को मिलती है। तो आज जो है वो अपन इनको करेंगे अनबॉक्स, करेंगे इनका रिव्यू। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो कौन सा वाला लेना चाहिए, आपको नॉर्मल वाला लेना चाहिए या फिर प्रो मॉडल लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। क्यों करा मैंने ऐसा? तो मैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों के दोनों बॉक्सेस जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं, इसलिए मैं जो हूं इनको साथ में ही जो है वो अनबॉक्स कर लूंगा। अगर मैं बॉक्स को देखना है बात करूं तो फिर आपको इस वाले के ऊपर जो है वो प्रो मॉडल लिखा हुआ देखने को मिलता है ऑब्वियसली, और इस वाले के ऊपर आपको PS4 PS5 जो है वो रेड में लिखा हुआ देखने को मिलता है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ PS4 लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये वाली पैकेजिंग जो है वो पुरानी वाली पैकेजिंग है। बाकी इन वाले प्रोडक्ट्स के जो स्पेक्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब कि अगर आप प्रोडक्ट के पीछे के सारे सारे पैरामीटर्स देखोगे तो वो सारे के सारे बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब प्रो मॉडल और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई सा भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं और वो वाले डिफरेंसेस जो है वाकई में प्रो वाले मॉडल को बिल्कुल स्टैंड आउट करके दिखाते हैं। तो फिर वो वाले प्रोडक्ट्स जो है मैं आगे जो है वो डिस्कस करूंगा इस वाली वीडियो के अंदर। और अपन चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो अनबॉक्सिंग जो है वो काफी ज्यादा आसानी से जो है वो हो जाती है। आपको जो है वो बैग्स देखने को मिलता है और पहला डिफरेंस जो है वो अपने को यहीं पर ही दिख गया। मतलब जिस बैग के अंदर आपको नॉर्मल वाला मॉडल देखने को मिलता है वाला बैग जो है वो हल्का सा अजीब से मटेरियल का बनाया। मतलब ये बैग जो है वो ऑब्वियसली सही है, लेकिन दूसरा वाला बैग जो है वो बहुत ज्यादा शाइनी और सॉफ्ट मटेरियल से जो है बनाया। तो फिर आप जो है वो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस देख सकते हो, इनकी मटेरियल्स के अंदर, इसके बैग जो फ्री आता है उसके मटेरियल के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो। ये वाला जो है वो ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, ज्यादा शाइनी टाइप लगता है, और ये वाला जो है वो लगता है। सेकेंडली आप जो है वो हेडफोन्स को निकालते हो इनके बैग में से तो प्रो वाला मॉडल जो है वो ऐसा पड़ा हुआ देखने को मिलता है जैसे कि वायरलेस एडिशन हो। मतलब कि इसके अंदर कहीं से लेके कहीं तक कोई सी वायर जो है वो अटैच नहीं रहती। हालांकि नॉर्मल वाले के अंदर जो है वो आपको वायर जो है वो अटैच मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला हेडफोन जो है वो वायरलेस है। ऑब्वियसली वाला हेडफोन जो है वो वायरलेस नहीं। एक अच्छा गेमिंग हेडफोन कभी भी वायरलेस नहीं होता। ये वायर वाला है और इनकी वायर्स जो है इनके बैग्स के अंदर जो है वो आती है। तो आपको हर हेडफोन के साथ जो है वो पॉली बैग्स जो है वो फ्री मिलेंगे। इन वाले पॉली बैग्स के अंदर इनका सामान जो है वो आता है। और आप देख सकते हो नॉर्मल वाले मॉडल का पॉली बैग जो है वो कितना ज्यादा पतला है। इसके अंदर जो है सामान जो है वो फ्री नहीं आता, बस एक माइक्रोफोन आता है, माइक्रोफोन के ऊपर का टोपा आता है टोपा, और साथ ही साथ एक हेडफोन जैक स्प्लिटर ताकि आपका माइक और आपके हेडफोन का आउटपुट जो है वो स्प्लिट कर सकते हो अगर आपका कंप्यूटर जो है वो वैसा वाला है। बट प्रो वाले मॉडल्स के साथ जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री आती है, जिसमें से एक जो है वो आपकी ऑक्स टू ऑक्स कनेक्टर है ताकि आप इस वायर्ड हेडफोन को जो है वो यूज कर सको। दूसरी केबल जो है टाइप सी टू USB की केबल है ताकि आप जो है वो इसकी RGB फंक्शनैलिटी को जो है वो एसेस कर सको। और तीसरा जो है वो माइक वगैरह ही आता है, उसके साथ भी जो है वो टोपा वगैरह आता है। तो RGB फंक्शनलिटी एसेस करने के लिए आपको जो है वो टाइप सी केबल इसके अंदर लगानी पड़ेगी और USB केबल अपने कंप्यूटर वगैरह में लगानी पड़ेगी। और उससे जो है वो आपको आउटपुट नहीं मिलता म्यूजिक का या फिर गेम का या फिर जिस चीज जो है आप देख रहे हो। तो अपेरेंटली ऑडियो आउटपुट के लिए आपको एक ऑक्स केबल भी लगानी पड़ेगी और फिर आप एक माइक तो लगा ही रहे हो। तो तीन चीजें जो है वो आपके हेडफोन के अंदर से बाहर निकलेंगी प्रो वाले मॉडल के अंदर, तो वो जो है वो हल्का सा डिसकंफर्टेबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आपको RGB फंक्शनलिटी चाहिए इसलिए आप प्रो हेडफोन जो है वो ले रहे हो तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा रिकंसिडर जो है वो कर सकते हो। ऐसे हेडफोन ले सकते हो जिसके अंदर एक ही केबल लगे, क्योंकि ज्यादातर जितने भी RGB हेडफोन्स वाले होते हैं उनके अंदर जो है वो ऑक्स केबल नहीं आती, क्योंकि ऑक्स केबल जो है वो RGB इसको नहीं संभाल पाती, सिर्फ सिर्फ ऑडियो को संभाल पाती है। तो अक्सर RGB हेडफोन्स जो है वो हमेशा आपको USB ही ऑफर करेंगे, बट इसकी USB से जो है वो आपको इनपुट नहीं मिल रहा आपकी ऑडियो का। तो ये थोड़ा सा डिलेमा है इस वाले हेडफोन का। सेकंड डिफरेंस की बात करूं तो वो जो ऑब्वियसली कंफर्ट आता है। मतलब आप इन वाले हेडफोन्स का कुशन जो है वो देख सकते हो। इन वाले हेडफोन्स का कुशन नॉर्मल कुशन जैसा ही है, मतलब थोड़ा सा हार्ड टाइप है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसके अंदर जो है आपको मेमोरी फोम देखने को मिलती है और वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा सिल्की होती है, और मतलब लगाते ही कान के अंदर ही सब सेट हो जाता है। ये आपको चश्मा वगैरह लगाते हो तो कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर भी जो है वो आपको काफी शानदार वाले कुशन देखने को मिलते हैं। तो अपेरेंटली प्रो वाले हेडफोन जो है वो लाख गुना ज्यादा सुपीरियर है आपके नॉर्मल वाले हेडफोन से। यहाँ पे नॉर्मल वाले हेडफोन के अंदर आप इस वाले वायर को डिटैच नहीं कर सकते, तो अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको हेडफोन के ऊपर कोई से भी कंट्रोल जो है वो देखने को नहीं मिलते। आपको ऑडियो और आपका माइक का म्यूट करने का बटन जो है वो हेडफोन की वायर के ऊपर ही देखने को मिलता है। यहीं से ही अपनी इनपुट की जो ऑडियो है उसको कंट्रोल कर सकते हो और उसके साथ ही साथ जो है वो माइक को म्यूट भी कर सकते हो। वो चीज जो है वो प्रो वाले हेडफोन के ऊपर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा क्लस्टर हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक ही तरफ जो है वो सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे आप अपना माइक लगाओगे, यहाँ पे अपनी RGB वाली लाइट लगाओगे और यहाँ पर अपने ऑक्स लगा सकते हो, और इधर जो है वो आप जो है वो माइक को म्यूट कर सकते हो और इधर से जो है वो ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ही जगह
जगह पर जो है वो सब कुछ थोड़ा सा क्रैम्प्ड सा हो जाता है, बट उससे जो है फिर वापस से हल्की फुल्की मस्कुलर फील भी जो है देने लग जाता है, तो इट्स अ विन सिचुएशन। बाकी मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड जो है वाकई में काफी ज्यादा सॉलिड आपको देखने को मिलती है। आपको जो है वो मेटल हिंजेस जो है वो देखने को मिलती है, मतलब ये बंद बाहर जो होते हैं ये वाली चीज जो है वो मेटल की है। यहाँ पे आपको ग्रिल भी जो है वो मेटल की देखने को मिलती है, लेकिन बाकी सारा का सारा हेडफोन जो है वो प्लास्टिक और रबड़ का ही जो है वो बना हुआ है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये वायर्स जो निकल रही है ये भी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, मतलब लिटरली एस्थेटिक्स के अंदर जो है वो एक्सा नाम की कंपनी ने नेल कर दिया इन वाले हेडफोन्स को। मतलब इसके अंदर आपको रेड कलर की वायर देखने को मिलती है, ब्लैक कलर की मेटल प्लेट्स जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन जो नॉर्मल वाला मॉडल है उसके अंदर आपको रेड कलर की वायर के साथ साथ जो प्लेट्स हैं वो भी जो है वो रेड कलर की देखने को मिलती है। तो ये वाला जो है मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन फिर इसके अंदर जब आरजीबी लाइटिंग लगती है तो ये जो है वो माहौल जमा के रख देता है। अगर बात करूं साउंड लीकेज की तो फिर आपको जो है वो नॉर्मल वाले के अंदर ऑब्वियसली हल्का फुल्का साउंड लीकेज जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन जो प्रो वाला मॉडल है वो साउंड लीकेज को जितना हो सके उतना जो है बंद करके रखता है, क्योंकि इसका जो फोम है मेमोरी फोम है वो जो है वाकई में आपकी जो सील है बहुत ज्यादा क्रिस्प और बहुत ज्यादा अच्छी वाली जो है बनाता है। और लिटरली अगर मैं इन दोनों के दोनों हेडफोन्स को साइड बाय साइड लगाऊं, क्योंकि मैंने लगा के देखा है एक के बाद एक, तो फिर इसके अंदर जो है वो आपको हल्की फुल्की नॉइज आती है बाहर की भी, लेकिन इसका जो है वो पैसिव नॉइज कैंसिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। दोनों के दोनों हेडफोन्स के अंदर कोई सा भी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं आता, इसलिए आपको जो है पैसिव नॉइज कैंसिलेशन के ऊपर ही जो है वो डिपेंड होना पड़ेगा, आपकी ईयर के आसपास की जो सील है उसके ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा, और सील जो है वो इसकी ज्यादा अच्छी है प्रो वाले मॉडल की। तो एक बार जो है अपन इसका माइक भी जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। दोनों के दोनों जो हेडफोन्स हैं उनके अंदर आपको एक जैसा ही माइक जो है वो देखने को मिलता है, ऐसा वाला माइक जो है आता है, इसको आप जो है यहाँ से लगा सकते हो और यहाँ से जो है बोल सकते हो। और जब आप ये वाला माइक लगाओगे तो फिर इस वाले माइक से जो है वो सामने वाले बंदों का आवाज़ आएगी, तो वगैरह कॉल वगैरह अटेंड करते हो, डिस्कॉर्ड वगैरह देखते हो, अगर आप गेम वगैरह के अंदर बात करते हो, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो, तो ऐसी आवाज़ जो है वो आपके सामने वाले बंदों को जो है वो सुनाई देगी, आपके दोस्तों को, आपके दुश्मनों को, आपके सौतनों को। अपन आगे बढ़ते हैं रिव्यू के अंदर। अगर बात करूँ ऑडियो क्वालिटी की तो ऑडियो क्वालिटी तो जो है मतलब भयंकर ही है, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। हाई मिड्स और लोज जो है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके सुनाई देते हैं। अगर आप इस पे गेमिंग करते हो तो फिर आपको लेटेंसी जो है वो नहीं आएगी, और दूर से भी मतलब चिंदी कदमों की आवाजें भी जो है आएंगी, साथ साथ आपकी जो टीममेट्स की आवाज है वो भी जो है वो काफी ज्यादा क्रिस्प आएगी। अगर आप इसे अपना कंटेंट वगैरह एडिट करते हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, वीडियोस वगैरह एडिट करते हो, तो फिर उसके अंदर भी जो है वो आपको एक एक एलिमेंट जो है वो सुनाई देगा, आपको एक एक आवाज जो है वो आएगी, बिल्कुल रियल आवाजें जो है वो आती हैं, बहुत ज्यादा अच्छी वाली ऑडियो क्वालिटी आपको इन दोनों के दोनों हेडफोन्स के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप एक एक्टिव म्यूजिक लिसनर हो तो फिर आप शायद ही इन वाले हेडफोन्स को लोगे, लेकिन अगर आप लोगे तो फिर आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि बेस वगैरह भी जो है वो इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा वाला देखने को मिलता है। सो अपेरेंटली दे आर लिटरली अ गुड पैकेज। और बात करूं नॉर्मल वाले मॉडल की तो ये इस वक्त जो है वो 1900 रुपए के जो है वो मिल रहे हैं, और बात करूं प्रो वाले मॉडल की तो फिर ये जो है वो इस वक्त 3300 रुपए के जो है वो मिल रहे हैं अमेजोन के ऊपर। लिंक जो है मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग जो है वो कर सकते हो चेकआउट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाइयों, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना, एंड दिस मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।